शैतान वापस चले जाओ जहाँ से आए हो। दुनिया को बर्बाद करना बंद कर दो। कभी नहीं, मैं ऐसे दो बच्चियों से नहीं हार सकता। देखती जाओ क्या होता है। जिन बादशाह से जंग के बाद कैरल और असीसू ने एक पुरानी चीजों की दुकान खोली जो बहुत चली। कारोबार की तरक्की ने दोनों लड़कियों को हर वक्त मसरूफ कर दिया। असीसू, मुझे लगता है हमें कुछ मुलाजिम रखने चाहिए। हम दोनों के लिए अकेले दुकान चलाना मुश्किल हो रहा है। हाँ, मैंने भी ये सोचा है। मैं दरवाजे पर मुलाजिम के लिए इश्तेहार लगाती हूँ, शायद हमें कुछ मेहनती लोग मिल जाएं। कुछ दिनों बाद उन्होंने एक मजबूत और मेहनती लेकिन इंतहाई खामोश नौजवान को भर्ती किया। सारा दिन वो सिर्फ अपने काम पर तवज्जो देता और कुछ ना बोलता। अगरचे उस लड़के ने कुछ गलत नहीं किया, किसी वजह से असीसू उससे खौफ ज्यादा होती। उसे लगता वो हर वक्त उसे घूरता है। उस दिन कुछ नया सामान आया तो तीनों ने सामान दुकान तक पहुंचाया। सामान ले जाते वक्त फिरोजे की अंगूठी असीसू के हाथ से बार बार रगड़ती रही और उसे परेशान करती रही। मालकिन, मेरा ख्याल है आपकी अंगूठी सामान से टकराई है और उसने आपकी उंगली को भी चोट पहुंचाई है। मेरे ख्याल में ये काम खत्म करने तक आप इसे थोड़ी देर के लिए उतार दें। ठीक कह रहे हो, अंगूठी काफी परेशान कर रही है, मैं कुछ देर के लिए उतार देती हूँ। मुलाजिम की बात सुनकर असीसू ने कुछ देर के लिए अंगूठी उतार कर मेज पर रख दी और भूल गए। उस लड़के ने वो चुरा कर अपनी जेब में डाली और गायब हो गया। वो जल्दी से सहरा के बीच मौजूद गार वापस आया, अंदर गया और उस कमरे में दाखिल हुआ जहां जिन बादशाह का ताबूत था। उसने अंगूठी दरमियान में रखी, मंत्र पढ़े और जादू किया। असल में वो उस शैतानी ग्रोह का पैरोकार था जो हमेशा से अंगूठी वापस हासिल करके जिन बादशाह को दोबारा जिंदा करना चाहती है। शाबाश मेरे वफादार पैरोकार, तुमने मेरी जिंदगी बचा ली। आलम पना, वापसी मुबारक हो। मुझे अरसे से उस दिन का इंतजार था। इस मर्तबा हमें उन तमाम रोशनी की सिपाहियों को मारने का तरीका ढूंढना होगा। बिल्कुल, लेकिन अभी मेरी ताकत बहुत कम है। हमें एक ताकतवर और पाक रूह को चूसने की जरूरत है ताकि मेरी ताकत वापस आ सके। तो मैं कैसे मदद करूं? मैं कहां वो ताकतवर और पाकीजा रूह ढूंढूं जो आपको चाहिए? ओ अच्छा, ये वो लड़की है जिसके पास मेरी ये अंगूठी थी। जब उसने अंगूठी की ताकत हासिल की, उसकी रूह का कुछ हिस्सा अंगूठी से जुड़ गया। हम इस अंगूठी के जरिए उसकी रूह को काबू करेंगे। फिर वो दूसरी लड़की जरूर अपनी दोस्त को बचाने आएगी। हम उसे बेवकूफ बनाकर उसकी रूह भी काबू कर लेंगे। लगता है ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उस वक्त दुकान पर कैरल और असीसू भी घबरा कर अंगूठी ढूंढ रही थी। अचानक असीसू चिल्लाई और सत्ते में आ गई। कैरल ने घबरा कर उसे झिझोड़ा, लेकिन असीसू कुछ ना बोली। उसकी आंखों में कोई हरकत न थी, हालांकि उसका दिल धड़क रहा था और वो सांस ले रही थी। असीसू, क्या हुआ है तुम्हें? मुझे मत डराओ। कैरल अपनी दोस्त के लिए बहुत परेशान थी, तो वो मदद के लिए अपनी दादी के घर की तरफ भागी। असीसू की हालत देखकर वो मायूस हुई और हिम्मत हार दी। मैं असीसू के मामले का अंदाजा तो नहीं लगा सकती, लेकिन जानती हूँ वो खतरे में है। अब सिर्फ आला सूरज देवता ही इसे बचा सकते हैं। ये अल्फाज सुनकर वो रा देवता को ढूंढने मंदिर की तरफ भागी। अपने हाथ पर सांप वाले कड़े की मदद से उसका राबता हो गया। चमकती अंगूठी ने हॉल में मौजूद मुजस्मे को हिलाया। कैसी हो छोटी लड़की, मैं जानता हूँ तुम यहाँ क्यों आई हो। जिन बादशाह ने तुम्हारी दोस्त की रूह कब्जे में कर ली है। तुम्हें फौरन उसके गार में जाकर अपनी दोस्त को बचाना होगा, इससे पहले कि वो उसकी पूरी रूह निचोड़ डाले और वो हमेशा के लिए गायब हो जाए। शुक्रिया, मैं अभी जाती हूँ। ये आईना ले जाओ, मेरी उम्मीद है ये शैतान से लड़ने में तुम्हारी मदद करेगा। Thank you.
कैरोल उस कमरे की तरफ भागी जहाँ जिन बादशाह असीसू की रूप काबू कर रहा था, लेकिन उसका खादिम रास्ते में रुकावट था। यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम भी असीसू को बचाना चाहते हो? दो बेवकूफ लड़कियाँ, मैंने ही अंगूठी चुराई बादशाह को दोबारा जिंदा करने के लिए, यही वजह है तुम्हारी दोस्त की हालत की। बद्दार, तुम ये कैसे कर सकते हो असीसू के साथ, जबकि हमने तुम्हारे साथ इतना अच्छा सलूक किया, तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। शैतान खादिम को हराने के बाद कैरोल ने आईना उठाया और कमरे में दाखिल हुई। कैरोल ने जिन बादशाह को असीसू की रूप कब्जे में लेकर देखा, जो एक शैतानी बुलबुले में तैर और मुरझा रही थी। शैतान, मेरी दोस्त को फौरन छोड़ दो, आओ सामने से लड़ें। ये बुजदिल हमले इस्तेमाल ना करो। क्योंकि तुम बेवकूफ हो और ये मेरा कसूर नहीं। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी दोस्त को छोड़ दूं, तो तुम्हें उसकी जगह कुर्बानी देना होगी। गौर से सोच लो, तुम्हारी दोस्त के पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। क्या तुम अपनी दोस्त को ऐसे मरते देखना चाहती हो? ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन अगर तुम मेरी दोस्त को फौरन छोड़ दो। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। जिन बादशाह ने मंत्र डाला जिसने कैरोल की रूह को शैतानी बुलबुले में फंसा लिया, लेकिन कैरोल ने तवक्को नहीं की थी कि वो अपनी बात से फिर जाएगा। उसने ना तो असीसू को छोड़ा, बल्कि वो दोनों की रूहें निगलना चाहता था। लड़ाई खत्म हुई। कैरोल जल्दी से दुकान वापस गई और अंगूठी असीसू की उंगली में डाली। रूह उसके जिस्म में वापस आ गई और असीसू जाग गई। क्या हुआ कैरोल? मुझे ऐसा लग रहा है मैं कोमा से जागी हूँ। कोई बात नहीं, ये तो छोटी सी जंग है। मैं खुश हूँ कि तुम अभी भी मेरे साथ हो। ओ खुदा, क्या कह रही हो? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। दोनों लड़कियों ने एक दूसरे को गले लगाया और मुस्कुराई। तब से वो फिर से अमन के साथ रहने लगीं। मैंने सुना है कि यहाँ पर बहुत ही डरावनी चुड़ैलें रहती हैं। ये चुड़ैलें यहाँ से गुजरने वाले लोगों की ताकत छीन कर उसे अपनी कुव्वत में तब्दील कर लेती हैं। ये बहुत डरावना है, चलो भाग कर घर चलते हैं। मैं उनसे उनकी कुव्वत छीनने जा रही हूँ, देखते हैं कि उनमें कितनी ताकत है। मैं उनकी ताकत छीनने जा रही हूँ, देखते हैं कि उनमें कितनी ताकत है। आइज़लिया, मैंने तुम लोगों को कितनी दफा समझाया है कि तुम जैसे बुजुर्गों को घर पर रहना चाहिए।
मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आता कि हमारे इस चुड़ैलों के खानदान में हमेशा तुम्हें रायत क्यों दी जाती है। समझ करो, मैंने किसी को यहाँ करीब में भेजा है ताकि तुम और लोगों को पकड़ो और ज्यादा से ज्यादा कुवत हासिल कर सको। आज बड़ी अजीब बात है कि जंगल में इतनी ज्यादा फोग क्यों है। मैंने सुना है कि जंगल की चुड़ैलें आके आपको तबाह कर देती हैं। लेकिन शुक्र है कि मेरे पास मेरा खानदानी ब्रेसलेट है। ओ, आज के दिन मैं बहुत खुश हूँ। इसकी कुव्वत तो पहले की निस्बत ज्यादा है। ये यकीनन आज मुझे ज्यादा ताकत देगा। ये क्या था? क्या ये चुड़ैल है? ओ, लिया, मैं क्या करूं? जल्दी से ये तमाम चीजें साफ करो और हमारा एक भी निशान ना रहने पाए, सिवाय इसके कि आज मैंने बहुत ताकत हासिल कर ली है। अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, बस अब मैं जाना चाहती हूँ। तुम एक चुड़ैल हो? तो क्या तुम ठीक हो? लगता है तुम जख्मी हो गए। तुम्हें ज्यादा हरकत नहीं करनी चाहिए। हाँ, जाहिर सी बात है कि अगर ये ब्रेसलेट उन्होंने देख लिया होगा तो उनको ये बहुत पसंद नहीं आया। क्या मेरे ब्रेसलेट ने काम नहीं किया? क्या वाकई? मगर मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। हो सकता है कि ये मेरी वजह से हो, क्योंकि मैं एक बेवकूफ हूँ और जादू नहीं जानती। क्या मतलब है? मियाँ चुप कर गई और उसने एलेक्स को सारी कहानी बताई कि उसके पास कोई जादू नहीं है, वो अक्सर डोरा को अप्रेंटिस करती है। यकीन जानिए, मैं उनके खानदान में से किसी को भी नुकसान नहीं देना चाहती। ऐसा क्यों है कि डोरेस हमेशा दूसरों की ताकत को हासिल कर लेती है? मेरा ख्याल से मुझे उन लोगों के पास जाना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए। मुझे यकीनन लोगों को ये सब बताना होगा कि ये हकीकत है या फिर सिर्फ एक झूठ। अच्छा, तो मैंने ये फैसला किया है कि मैं तुमसे दोस्ती करूंगा जबकि तुम चुड़ैल भी हो, क्योंकि लोगों को सिर्फ नुकसान नहीं पहुंचाती उनकी मदद भी करती हो। तो क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? फिर उसके बाद वो और करीब से करीब तर होते गए। उसके बाद एलेक्स ने मिया को बुलाया अपने गांव में। अपनी चुड़ैल होने की पहचान छुपाने के लिए मिया ने अपने हाथ के निशान के ऊपर मेकअप कर लिया। जब वो गांव पहुंची तो उसने लोगों की मदद की और बच्चों के साथ खेलना शुरू कर दिया। सबको मिया बहुत पसंद आई। मोहतरमा, एहतियात कीजिए। ओ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम बहुत अच्छी हो। मगर ये तुम्हारे हाथ पे क्या है? मेरे ख्याल से तुम एक चुड़ैल हो। ये एक चुड़ैल है, पीछे रहो। सब लोग आराम से बैठ जाओ। मिया एक स्क्विब है और उसने सबकी मदद की है। उसके पास जादू करने की कोई ताकत नहीं, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तुम जानते थे कि ये एक चुड़ैल है? मैं जानता हूँ, बस तुम्हें इसे पता था कि ये एक चुड़ैल है, तो तुम इसे यहाँ पर क्यों लेकर आए? ये क्यों यहाँ पर आई? ये तुम्हारे इतने करीब क्यों हो रही है? हो सकता है कि ये कोई जासूस चुड़ैल हो। मैं ये बात अलग है कि ये कोई जादू नहीं जानती, मगर फिर भी हमें इसे पकड़ना होगा। क्या तुम तैयार हो? एलेक्स, मेरी मदद करो। मिया, आखिरकार मैंने इसे पीछा छुड़ा ही लिया। मिया, चलो जल्दी करो, मेरे साथ चलो। तुमने इसका नेकलेस क्यों तोड़ा? तुमने अपने जादू का गलत इस्तेमाल क्यों किया? हाय लिया, तो
तुम तो एक मुसाफिर लग रही हो। क्या तुम मुझे अब इस तरह से मिलोगी? क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे जैसी एक बेकार इंसान नहीं हूँ। मैं लोगों का इस्तकबाल करना जानती हूँ, चाहे वो इंसान हो या चुड़ैलें। मेरे बारे में क्या ख्याल है? मुझे इनकी शक्लें सूरतें बहुत ही अजीब लग रही हैं, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम इस दुनिया से चली जाओगी तो सब पहले की तरह मुझे मोहब्बत करेंगे। फिर मैं इस मुसाफिर खानदान के सबसे ऊपरी सतह पर होंगी, और अगर किसी ने पूछ भी लिया तो मैं कहूँगी कि ये तुम थी, और इसलिए भी कि मुझे तुम्हें खत्म करना था ताकि मैं इस मुसाफिर खानदान के राजों का राज रख सकूं। चुप करो एल्फिंस। ओ, तुम तो बहुत तेज हो, पहले मुझे तुमसे निपटना होगा। लिया, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? मुझे माफ कर दो तुम्हें इस खतरे में डालने के लिए। ऐसा मत कहो। मुझे सिर्फ ये दुख है कि मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा देर के लिए दोस्त नहीं रह सका, और ये साबित नहीं कर सका कि तुम एक अच्छी इंसान हो। क्या तुम ठीक हो? लेकिन खुद को देखो, तुम्हारी ये लाइट्स कहाँ से आई? ओह, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मुझे बहुत खुश लग रहा है। मुझे लग रहा है जैसे मेरे जिस्म की कुव्वत वापस आ रही है। और क्या ये खुशी है जो तुम्हें और मजबूत बनाती है? ओह, तो ये दोनों वहाँ पर क्या कर रहे हैं? मुझे इन्हें जरूर सबक सिखाना होगा। ख्याल से एलेक्स। मुसाफिर जा चुके हैं। ये सही कहती है, हम जीत गए। ओ मिया। और फिर मिया के माँ बाप उसको मिले गांव के दरमियान। उन्हें सब कुछ हुआ बताने के बाद और उन्हें जो भी हुआ सब समझाने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुशी से रहेंगे। और हाँ, वो बाद में खुशी से रहे भी।